हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूं ज़ेबा। आज हम बात करने वाले हैं एक फेशियल किट के बारे में जो है न्यूली लॉन्च बाय पोन्स। तो पोन्स ने अभी फिलहाल ही एक फेशियल किट लॉन्च किया है। ये है, इसमें ओप लिखा भी है, होम फेशियल किट जो हम घर पर कर सकते हैं विद चारकोल एंटी पोल्यूशन फेशियल किट। सुनने में कितना अच्छा सा लग रहा है। फेशियल किट होती है, हमें ग्लो देती है, हमारे डेड सेल को रिमूव करती है, कुछ होती हैं जो कहती हैं आपको फियर कर देंगे, बट ये एंटी पोल्यूशन किट है। बाहर का एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो रहा है, चीज़ें इतनी ख़राब हो रखी है और हमारा स्किन इतनी सेंसिटिव है, हमारे फेस का क्या हाल हो रहा होगा। सो ये एंटी पोल्यूशन किट है, ये आई थिंक अच्छा वर्क करेगी। मैं इसका डेमो और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने इसको ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से, इस पर लिखा है 300, बट ये मेरे को 240 रुपीज़ की पड़ी है और इसमें 12 ग्राम की क्वान्टिटी है। एक बार में आप 4 ग्राम यूज़ करेंगे तो आई थिंक आप इसको 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं और ये फेशियल किट आपको 100 रुपीज़ का भी नहीं पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। सो प्राइस बहुत अच्छा है। पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। सो ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक एंड वाइट कलर का लिखा हुआ है और ये कार्डबोर्ड काइंड ऑफ पैकेजिंग है। इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप, इसमें 6 स्टेप हैं गाइज, और हर फेशियल में 5 होते हैं ना, इसमें 6 स्टेप हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें इनका कब एक्सपायर होने वाला है सब कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो सब लिखा हुआ है। फेस वॉश, स्क्रब, क्रेम, मास्क, क्रीम और डीप मसाज क्रीम भी है इसमें। एक एक जो कब क्या बोलते हैं फेस मास्क है वो पील वो मास्क है। ये बहुत अच्छी बात है। सो पैकेजिंग बहुत अच्छी है। वाओ, ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं इसमें 6 स्टेप्स हैं गैस। जो छोटे छोटे पैकेज होते हैं वो ट्यूब में आते हैं, जिसे हम एक बार यूज़ करके और दोबारा यूज़ करने में गंदा हो ही जाता है, कितना भी अच्छे से क्लीन करो जो भी करो, बट ये ऐसा सा कुछ है। तो हम इसको यूज़ करके खोला, यूज़ करके एंड वापस से उसको बंद करके रख दिया, तो हम इसको 3 टाइम आराम से यूज़ कर सकते हो, ये गंदगी नहीं होने वाली और हम इसे आराम से कैरी भी कर सकते हैं। छोटू सा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो इसमें 6 स्टेप हैं, हम अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इसका मैंने क्ले मास्क है, क्ले फेस वॉश है सॉरी, तो मैंने उसका रिव्यू दिया है, क्ले फेस मास्क है उसका भी दिया है। उन दोनों का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके प्लीज़ उसको इस वीडियो के बाद जाके आप उस वीडियो को देखें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने कर लिया है अपने फेस को वेट और मैंने अपने फेस पर कुछ नहीं लगाया। आप मेकअप के ऊपर इसको यूज़ ना करें। सो मैं यहाँ ले लेती हूँ अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी। ये फेस वो फर्स्ट स्टेप है हमारा फेस वॉश। इसमें हल्का सा हम मिक्स करेंगे वाटर और अच्छे से अपने फेस को वॉश करेंगे। ये डीपली आपकी स्किन को क्लियर कर देगा, आपकी डेड सेल्स है उसको रिमूव कर देगा, आपकी जो प्यारी सी स्किन छुपी हुई है डेड सेल्स के नीचे वो बाहर निकल के आ जाएगी। सो अच्छे से मसाज करें। आई वॉश्ड माई फेस। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब लेने से पहले आप चाहें, अगर आपको क्या बोलते हैं ब्लैक हेड ज़्यादा हो रखे हैं तो आप अपने फेस को अच्छे से स्टीम दें। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे वार्म वाटर लेके और अपने कॉटन को उसमें डिप करके रखा था। मैं हल्का से अपने नोज़ को स्टीम दूंगी बिकॉज आई फील कि मेरे नोज़ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, उससे क्या होगा हाँ जो ब्लैक हेड्स है वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कोई फेस पे ज़्यादा है तो आप अपने फेस को डायरेक्टली आप स्टीम ले, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, हमने ले लिया है अपने नोज़ को अच्छे से स्टीम, आई थिंक जो ब्लैक हेड्स होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब। दो नहीं, आई थिंक ये 3 टाइम हो जाएगा। आपको अच्छी खासी क्वांटिटी है और हम अच्छे से, और जब आप स्क्रब करेंगे ना आप या तो फिर फ्रूट जूस लेंगे या फिर गुलाब जल, अगर नहीं है तो आप वाटर से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ, बट स्क्रब में हम अपना जो वार्म वाटर है ना उसी को लेके उससे स्क्रब करेंगे। हर एक ट्यूब पे डिटेल मेंशन हुई हुई है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या दिया हुआ है, कैसे यूज़ करना है सब कुछ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे से आप 5 मिनट तक अपने फेस की मसाज करेंगे और जो स्क्रब जो उसके यू है ना क्यूटिकल्स बहुत वो बारीक से, इतना नहीं लग रहा बट स्टिल हल्के हल्के लग रहे हैं मेरे को। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत आराम आराम से करें, सेंसिटिव नहीं है फिर भी उसको आराम आराम से करें गाइस। बर्तन नहीं है स्किन है, रिमेम्बर। बहुत आराम आराम से काम उन्होंने सेम ही करना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत हार्ड हैंड लगा रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 5 मिनट करते हैं, वॉश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो स्टेप 3 है हमारा नरिशिंग क्रीम, तो जिससे हम अच्छे से अपनी फेस की मसाज करेंगे।
ये एक जेल कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं, जो हमारे स्किन को अच्छे से ग्लोइंग बना देगी। मसाज करने पड़ेगी गाइस, इसको टाइम देके अच्छे से आराम से अपनी स्किन की मसाज करें, आपके जो फाइन लाइन्स है वो कम हो जाएंगे, स्किन अच्छे से ब्रीथ करने लग जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा। टाइम देके अच्छे से अपनी स्किन की मसाज करें इससे। इसमें आपको वाटर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि स्किन ड्राई हो गई है, बट ये स्क्रब अच्छा है, इसलिए आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रहा है, बस स्टिल हम थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं और हम अच्छे से अपनी स्किन की मसाज करेंगे। आई फील क्रीम थोड़ी सी कम हो गई, तो हम इसमें थोड़ा सा क्रीम और ऐड कर लेते हैं। फेशियल रिजल्ट 2 से 3 दिन में देता है ना, बट ये एंटी पोल्यूशन है, डीपली क्लीन कर रहा है आपकी स्किन को, तो आई थिंक अभी से आपको रिजल्ट देने लग रहा है। रिजल्ट ना भी दे बट क्लीन तो कर ही रहा है ना, अभी रिजल्ट कल दे देगा, परसों दे देगा, क्या हो गया। स्टेप 3 था हमारा नरिशिंग क्रीम और स्टेप 4 है मसाज क्रीम। तो मैंने अपने फेस को वॉश नहीं किया है, आपने ये वॉश नहीं करना है क्रीम को लेके, और हम साथ में अच्छे से स्किन की दोनों क्रीम को लेके अच्छे से मसाज कर लेंगे। एड लिटिल वाटर एंड मसाज, इसको टाइम देके अच्छे से मसाज करें। मैंने अच्छे से अपने फेस की मसाज कर ली है और मैं कर लेती हूँ उसको वॉश। स्टेप 5 इज पील ऑफ मास्क। आपने इसकी बहुत थिन लेयर अपने फेस पे अप्लाई करनी है। मैंने लगा लिया है पील ऑफ मास्क। आई नो मैंने अच्छे से नहीं लगाया, बिकॉज पील ऑफ मास्क पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको इतना टाइम तक रखना, और उसको इतना मन करता है कि निकालू निकालू घर के, तो मैंने इतना ही ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं तो जो होंगे तो निकल जाएंगे, और जब तक ये ड्राई नहीं होता आपने वेट करना है। आप फ़ोन देख लें, मैगजीन पढ़ लें, कोई काम बचा है वो कर लें, ये ड्राई होता है तब मैं आपसे मिलती हूँ। सो ये हो गया ड्राई, इसको निकाल लेते हैं। मैं वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने कर लिया है अपने फेस को वॉश एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद दिस फेस मास्क, सॉरी पील ऑफ मास्क। आई थॉट मुझे अपने पूरे फेस पे लगाना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। सो स्टेप 6 है हमारे पास, यहाँ पर ये है फिनिशिंग क्रीम। जो भी चीज़ हमने यूज़ करी है, जो भी चीज़ हमने प्रोडक्ट लगाया, उसको लॉक कर देगा, उसको अच्छे से आपकी स्किन में वर्क करने देगा। सो ये बहुत अच्छी बात है। और एज ऑलवेज आई सेड कि जब भी आप फेशियल करें या फिर कोई मसाज क्रीम लगाएं, मसाज क्रीम नहीं या फर्स्ट फेस पैक लगा रहे हैं, तो आप उसको इवनिंग में या फिर नाइट टाइम में करें तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब आप निन्नी कर लेंगे, निन्नी करके उठेंगे, तो आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग और बढ़िया सी लगेगी। सो आप ट्राई करें कि आप इसको इवनिंग में या फिर नाइट टाइम में ही लगाएं। सो गाइज, फेशियल हमारा हो गया है एंड क्वाइट इम्प्रेस। बट मैं अपना रिव्यू दे दूँ, मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है इसमें मसाज क्रीम भी है और नरिशिंग क्रीम भी है। ये हर फेशियल किट में नहीं होता, सिर्फ मसाज जेल होता है और ये नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने चाकोल बनाया है वो बहुत अच्छी बात है। इसमें वाइटामिन ई है, वाइटामिन B3 है, इसमें ग्लिसरीन है, ओट्स एक्ट है, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, हेल्दी होगी, आपकी स्किन को डैमेज बिल्कुल नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये #MadeInIndia है, तो हमने बाहर का कुछ यूज़ नहीं करा, हमने अपनी इंडिया की चीज़ यूज़ करी है। ये बहुत अच्छी बात है। सो मुझे ये वो अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।